गुजरात लोकसभा 2019 के आम चुनावों के लिए नया अखाड़ा बनता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक गुजरात में आयोजित करने के ऐलान के बाद अब एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अपनी पहली जनसभा गुजरात में ही करेंगी। उनके भाई राहुल गांधी भी 28 फरवरी को होने वाली इस रैली में उनके साथ होंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही राज्य में घेरने की तैयारियों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मोदी और शाह की जोड़ी पर उनके गृह राज्य में ही कांग्रेस द्वारा तगड़ा राजनीतिक हमला करने का अंदेशा जताया जा रहा है। खबरों के अनुसार अडालज के त्रिमंदिर मैदान में ये महारैली कांग्रेस के अहमदाबाद में CWC बैठक के बाद होगी। इस बैठक में पार्टी की लोकसभा चुनावों में रणनीतियों और तैयारियों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की इस पहली रैली को प्रियंका और राहुल के अतिरिक्त उनकी मां सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस गुजरात पर खास ध्यान दे रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 14 फरवरी को वलसाड जिले के आदिवासी लाल डुंगरी गांव में जनसभा कर चुनाव का बिगुल फूंका था। गुजरात में कांग्रेस विधायक और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल की माने तो अडालज में होने वाली ये जनसभा हालिया समय की सबसे विशाल जनसभा होगी। इसे गुजरात के इतिहास की सबसे विशाल रैली बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस मान रही है कि गुजरात में जहां एक तरफ मोदी और भाजपा के खिलाफ नाराजगी स्पष्ट दिख रही है, वहीं जनता और कांग्रेस पार्टी कैडरों का उत्साह सातवें आसमान पर है। वहीं CWC बैठक भी गुजरात में 60 सालों के बाद हो रही है और इसमें कांग्रेस का पूरा नेतृत्व शामिल होगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी का रैली स्थल अडालज अहमदाबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है और रुदाबाई नामक सीढ़ीदार कुएं के लिए प्रसिद्ध है, जो 1498 में बाघेला वंश के राणा वीर सिंह की याद में बनाया गया था। यह गैर सांप्रदायिक त्रिमंदिर मंदिर के लिए भी जाना जाता है। त्रिमंदिर जैन, शैव व वैष्णव के साथ साथ अन्य धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियों का घर है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।